हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू री फैशन। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एम कैफे नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी बॉडी स्क्रब का। मैं इस वीडियो में इसकी फुल डिटेल बताने वाली हूँ और ये भी बताऊँगी कि ये वर्क कैसा करता है और प्लस इसको यूज़ कैसे करना है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना गाइज। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो सब्सक्राइब, लाइक विद दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन। तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा बॉडी स्क्रब इस तरह की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। इसके आउटर बॉक्स में ही इसकी सारी डिटेल्स मेंशन है, आप देख सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो जैसे कि आप देख सकते हो 279 रुपीज़ इसकी एमआरपी है और 55 ग्राम इसकी क्वांटिटी है प्लस 2 ईयर्स इसकी शेल्फ लाइफ है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हो तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट में मिल जाएगा। मैंने इसे पर्पल से ऑर्डर किया था तो मुझे अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गया था ये। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसे आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, इसमें क्या क्या गुडनेस है। सो सिंपली ये आपके टैन को रिमूव करता है, आपके डेड स्किन को रिमूव करता है और आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। सो हमारा स्क्रब इस तरह के ग्लास जार में आता है और साथ में हमें एक बहुत ही क्यूट वुडन स्पून मिलती है इसको स्कूप आउट करने के लिए। इसका टेक्सचर ये देखिए, ये दिखने में भी कॉफ़ी जैसा है प्लस इसकी स्मेल जो है वो भी बिल्कुल कॉफ़ी जैसी है। ये देखिए गाइस इसमें मेंशन है, ये आपके सन टैन को रिमूव करता है, आपके डेड स्किन को हटाता है जिससे आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है और ज़्यादा हेल्दी बनती है आपकी स्किन। मैंने इसे यूज़ किया है सो इसके फर्स्ट यूज़ से ही आप डिफरेंस देख पाओगे गाइस। बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है ये। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो आपके डेड स्किन को हटा कर ये आपकी स्किन को ज़्यादा ग्लोई बनाता है, बाउंसी बनाता है प्लस हेल्दी बनाता है। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ इसे यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। अपने वेट बॉडी पे एक स्कूप, मैं ज़्यादा नहीं ले रही क्योंकि थोड़ा सा एरिया है, इसे इस तरह से लेकर अपने स्किन पे अच्छे से रब करना है, जेंटली रब करना है। 2 से 3 मिनट तक इसे रब कीजिए। रब करने के बाद आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कर लीजिए या फिर हल्के गुनगुने पानी से भी वॉश कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। उसके बाद आप देखना गाइस आपकी स्किन बहुत ही हेल्दी और बहुत ही स्मूथ हो जाती है। हमारे बॉडी पे जैसे हमारे एल्बो हैं, नीज़ हैं प्लस नेक हैं, ये एरिया को ज़्यादा ब्लैक होते हैं सो आपको इन एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। सो जब आप इसे अपने एल्बो, नीज़ और नेक पे रेगुलर यूज़ करोगे गाइस, इनका देखना आपके जो स्किन कलर है वो ग्लो करने लगेगा प्लस जो टेक्सचर है स्किन का वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से इसको रब करते रहना। रब करने के बाद इसे सिंपली धो लेना है पानी से। गाइस धोने के बाद आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा बॉडी स्क्रब है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना। अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में है क्योंकि बाकी के जो स्क्रब आते हैं बॉडी स्क्रब थोड़े महंगे आते हैं, बट ये अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। सो ये बॉडी स्क्रब जो जो क्लेम करता है इन सभी को फुलफिल करता है। आपकी स्किन टेक्सचर को स्मूथ करता है, इम्प्रूव करता है, सन टैन रिमूव करता है, स्किन को ग्लो बनाता है और जो भी डार्क एरिया है उन सभी को लाइटन करता है। देन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। सो ये था मेरा रिव्यू गाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गो सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।